करीबन ईस्वी सन 1300 साल यानी कि 700 साल पहले की ये बात है। आज हम आपके सामने एक सत्य घटना पर आधारित एक कथा जो गुजरात के पोरबंदर और द्वारिका नगरी के बीच बसा विसावड़ा गांव की है, जिनको हम मूल द्वारिका के नाम से भी जानते हैं। सूर्यवंशी महर केशवाला परिवार का लड़का जिसका नाम विंजात था, बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मग्न रहता था। परिवार की ओर से मिले हुए संस्कारों का वो हमेशा पालन करता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, कृष्ण भक्ति भी उतनी ही तेज होती गई। लोगों की सेवा करना, संत महात्माओं की सेवा करना, गाय और अन्य पशुओं को चारा खिलाना, इस तरह कृष्ण भक्ति और मानव सेवा के साथ साथ धर्म की रक्षा करना उनका मूल सिद्धांत बन चुका था। उनकी धर्म पत्नी वो भी विंझात की तरह कृष्ण भक्ति और संत महात्मा की सेवा, मनुष्य सेवा और बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करती थी। इस तरह विंझात और उनकी धर्म पत्नी जीवन गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन कृष्ण भक्ति में लीन विंझात ने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की कि आज के बाद द्वारिकाधीश मंदिर की ध्वजा के दर्शन के बाद ही वो अपना भोजन लेंगे। विंझात हर सुबह अपनी घोड़ी पर सवार होकर उसी टेकरी पर जाते दर्शन करते थे और इसीलिए उस टेकरी को आज हम विंझात टेकरी के नाम से जानते हैं। कई सालों तक किसी भी परिस्थिति में उनका ये नित्यक्रम बिना रुके बिना थके चला रहा। एक रोज की बात है, विंझात भगत द्वारिकाधीश की ध्वजा के दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में उसे हीरे जवेरात का एक व्यापारी मिला। उसके पास बहुत सारी जवेरात थी। विंझात भगत को देख व्यापारी को लगा कि यह नौजवान कोई क्षत्रिय कुल से लगता है और क्षत्रिय कुल हमेशा लोगों की रक्षा करता है। ये सोचकर व्यापारी ने विंझात भगत को विनती की, क्या आप मुझे मेरे घर तक पहुंचने में मेरी सहायता करेंगे? तब विंझात भगत ने व्यापारी से पूछा कि क्या आपके पास कोई कीमती सामान है, तो कृपया आप उसे मुझे दे दीजिए। विंझात भगत की बात सुनकर व्यापारी को भरोसा नहीं आया, इसलिए व्यापारी ने मना कर दिया और फिर वो दोनों मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में उनको काबा लुटेरों का सामना हुआ जो लूट के इरादे से खड़े थे। काबा लुटेरों को देखकर व्यापारी डर गया और अपना कीमती सामान विंझात भगत को देकर वहां से भागने लगा। काबा लुटेरों ने व्यापारी को छोड़ विंझात भगत से कीमती सामान लेना चाहा, पर विंझात ने बड़ी चतुराई से अपनी धारदार तलवार से काबाओं पर वार किया और एक काबा को मार गिराया। गिरते काबा को देख बाकी लुटेरे भी वहां से भाग निकले। हर रोज की तरह विंझात भगत द्वारिकाधीश की ध्वजा के दर्शन के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। तब उनकी धर्मपत्नी ने विंझात भगत को कहा कि आज साधु संतों की यात्रा आई है, सभी को भोजन कराना है, इसीलिए आज आप जल्दी वापस आ जाइए। तब विंझात भगत ने कहा कि मुझे आने में देर हो सकती है, आप साधु संतों को भोजन करा लेना और उनके बाद आप भी भोजन कर लेना। तब उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि क्या आपके भोजन से पहले मैं कभी भोजन लेती हूँ, इसलिए आप जल्दी घर आ जाइएगा। और फिर विंझात भगत ध्वजा के दर्शन के लिए वहाँ से निकल गए। जब दर्शन के लिए जा रहे थे तब रास्ते में एक ब्राह्मण ने उनको रोका और कहा कि
कि आज आप दर्शन के लिए मत जाना, क्योंकि आगे काबाओं ने डेरा डाला है जो आपको लूट भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। तब विंझात भगत ने बड़ी निडरता से कहा कि मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, मैंने जो प्रतिज्ञा ली है वो मैं हर हाल में पूरी करूंगा। बाधाएं तो आती जाती रहती है, क्या आप एक ब्राह्मण होकर मुझे धर्म के रास्ते पे जाने से रोक रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। ब्राह्मण ने विंझात भगत को समझाने की हर तरह की कोशिश की, फिर भी विंझात भगत नहीं माने। तब ब्राह्मण ने कहा कि आज मैं तुमको दर्शन के लिए नहीं जाने दूंगा। इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण, जो कि ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, उसमें से अपने मुख्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान के साक्षात दर्शन करते ही विंझात भगत भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने विंझात भगत से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम जो भी वरदान मांगोगे वो मिलेगा। तब विंझात भगत ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैं तो इस संसार की मोह माया से परे हूँ, मेरे लिए तो आपके साक्षात दर्शन ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है, पर फिर भी मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि मुझे इस जीवन में नहिवत रहना है। ये सुनकर भगवान बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि तुम क्यों निसंतान रहना चाहते हो? तब विंझात भगत ने कहा कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो संसार में तुम्हारा नाम रोशन करेगा, और आज के बाद तुम्हें ध्वजा दर्शन के लिए वहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। विंझात भगत ने भगवान को अपनी घोड़ी पे बिठाकर विसावाड़ा ले आए। विसावाड़ा के ज्ञान भाव के पास भगवान अंतर्ध्यान में बैठ गए। उसी दिन से विसावाड़ा को मूल द्वारका के नाम से जाना गया। भजन करे जी मारो एम के छे द्वारका वाड़ो, वीरा मारा भजन करे जी मारो। भजन करे जी मारो, भजन करे जी मारो, एम के छे द्वारका वाड़ो, वीरा मारा भजन नो करनारो। सुदामाना तांदूल चाया कंचन मेल करनारो, ओ सुदामाना तांदूल चाया जी तो कंचन मेल करनारो। विदुर जीनी भाजी खादी ए विदुर जीनी भाजी खादी, इमेवा मिठाज मेल नारो, वीरा मारा भजन करे जी मारो। भजन करे जी मारो, भजन करे ई मारो, एम के छे द्वारका वाड़ो,
तेरा मारा भजन करे जी मारो। प्रहलाद जी ने दास थी उगाया नरसी रूप धरनारो। ओ प्रहलाद जी ने दास थी उगाया नरसी रूप धरनारो। ए द्रौपदी ने लाज ने बचावी द्रौपदी ने लाज ने बचावी ई नव सो चीर पूर नारो वीरा मारा भजन नो करनारो। भजन करे जी मारो भजन करे जी मारो। एम के छे द्वारका वालो वीरा मारा भजन करे जी मारो। वीरा मारा भजन करे जी मारो। वीरा मारा भजन करे जी मारो। वीरा मारा भजन करे जी मारो जी। और कुछ समय के बाद विजात भगत के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम विंजरा रखा गया। विंजरा भी अपने पिता की तरह हर रोज भगवान के दर्शन करना और मानव सेवा करना। महर कौम में केशवाला बड़े खानदान से माने जाते हैं, इसलिए लोगों की छोटी बड़ी समस्या का समाधान भी विंजरा के अनुभव से किया जाता था। एक बार विंजरा के घर कुछ 4-5 महर नौजवान आते हैं। विंजरा उन सभी का महर के रीति रिवाज के अनुसार स्वागत करता है। विंजरा ने घर आए रणमल से पूछा कि आज अचानक कैसे आना हुआ। रणमल ने बताया कि आज हमारे भाई से अनजाने में नीची जाति के घर का पानी पीने का पाप हो गया है। विंजरा ने कहा, अनजाने में जो भूल हुई वो पाप नहीं है, फिर भी अगर मन में कोई शंका है तो सुबह ज्ञान वाव में नहाकर भगवान की पूजा करें और पंछी को अपनी सहूलियत के हिसाब से दाना डाल दे। घर आए सभी भाइयों को विंजरा का सुझाव पसंद आया। तब तक विंजरा की धर्मपत्नी सुंदरबाई ने सबके लिए भोजन व्यवस्था करके सबको भोजन करने को कहा। विंजरा के साथ सभी महर भाई भोजन करने बैठे। दूसरी ओर मूल द्वारिका से बहुत दूर धोड़का राजधानी में राजा विशरदेव वाघेला का राजपाट है। धोड़का की रानी रमा कुमारी ठाकुर जी की भक्त है। एक दिन रानी साहिबा रमा कुमारी जी ने राजा विशरदेव से कहा, हे स्वामी, वर्षों से मेरी द्वारिका नगरी के द्वारकाधीश के दर्शन करने की अभिलाषा रही है। अगर आप आज्ञा दे तो मैं द्वारकाधीश की यात्रा कर लूं। राजा विशरदेव ने कहा,
कि मैं तो यात्रा में नहीं मानता, पर अगर आपकी इच्छा है तो आप दर्शन कर आइए। रानी रमा कुमारी अपनी दासी और सिपाहियों के साथ राजा के आशीर्वाद लेकर दर्शन के लिए रवाना हुए। रानी रमा कुमारी ने द्वारिकाधीश मंदिर, हर्षित माता मंदिर के दर्शन करके मूल द्वारिका दर्शन के लिए पहुंचे। वहाँ उनकी मुलाकात विंजरा से होती है। विंजरा ने वहाँ जाकर पूछा कि आप सब बहुत थके हुए लग रहे हैं, तो आप सब दर्शन के बाद हमारे वहाँ पधारिए। विंजरा ने बहुत ही विनम्रता से कहा, मेरे घर को अपने भाई का ही घर समझिए। और फिर विंजरा सबको अपने साथ घर लेकर गए। विंजरा की धर्मपत्नी ने रानी जी और बाकी यात्रियों का मान सम्मान के साथ स्वागत किया। सुंदरबाई और रानी रमा कुमारी के बीच अपने अपने कुल वंश की पहचान हुई और बहुत देर तक उन्होंने बातें की। सुंदरबाई ने रानी जी और सभी यात्रियों को भोजन कराया, फिर सबको वहां आराम करने को कहा। विंजरा और सुंदरबाई की मेहमानी देख रानी को बहुत अच्छा लगा। रानी जी ने भी विंजरा को अपना भाई माना और दोनों में भाई बहन का पवित्र रिश्ता बना। जाते समय सुंदरबाई ने रानी को सोने की माला भेंट दी। रानी जी ने भी अपनी राजधानी आने का न्योता दिया और फिर धोड़का के लिए रवाना हुए। कई दिनों से रानी को खुश देखकर एक दिन राजा ने पूछा, जब से आप यात्रा से लौटे हो तब से बहुत खुश लग रहे हो, यात्रा में ऐसा क्या देखा? तभी रानी जी ने सबसे पहले विंजरा और सुंदरबाई का नाम लिया और कहा, विंजरा और सुंदरबाई जैसे अच्छे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। रानी की ये बात राजा विशरदेव को अच्छी नहीं लगी। राजा ने कहा, ऐसा क्या देखा आपने विंजरा में कि आप उनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो? तब रानी ने बताया, विंजरा क्षत्रिय खानदान से होते हुए भी भगवान के प्रति भक्ति, सभी लोगों के प्रति भाईचारा, बेजुबान प्राणी के प्रति प्रेम और हर रोज सभी यात्रियों को भोजन और आराम का प्रबंध करना उनको महान बना देता है। विंजरा की ज्यादा प्रशंसा सुनकर राजा को गुस्सा आया। किसी अन्य पुरुष की तारीफ अपनी धर्मपत्नी से सुनकर बहुत गुस्सा होने लगे और रानी के ऊपर लांछन लगाने लगे। सिर्फ एक बार की पहचान में वो तुम्हारा भाई बन गया? तब रानी ने सुंदरबाई के बारे में भी बताया।
दोनों दंपति एक समान है और सुंदरबाई की दी हुई सोने की माला के बारे में बताया, लेकिन ये बात राजा जी के गले से नहीं उतरी और राजा ने वो माला तोड़ दी और रानी को महल छोड़ने को कहा। पर रानी ने अपने पति को छोड़कर जाने की बात का स्वीकार नहीं किया। राजा ने कहा, अगर आप महल और मुझे छोड़कर नहीं गए तो मैं अपना अन्न पानी छोड़ दूंगा। ये सुनकर रानी महल छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। रानी वहां से चले गए। राजा का गुस्सा आसमान पे था। फिर रानी साहिबा महल छोड़कर मूल द्वारिका विंझरा के घर आते हैं। रानी जी ने अपने साथ हुई सारी घटना सुंदरबाई को बताई। सुंदरबाई ने रानी को आश्वासन दिया और कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी उन्हीं के भाई का घर है। रानी जब ये बात सुंदरबाई को बता रहे थे तब विंझरा ने ये सारी बातें सुन ली। दोनों की बातें सुनकर विंझरा ने रानी जी से कहा, बहन इसे तुम्हारा ही घर समझो, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। और वह राजा विशरदेव रानी के चले जाने के बाद बहुत गुस्से में थे। एक दिन राजा को पता चला कि रानी रमा कुमारी तो मूल द्वारिका में विंझरा के घर पर रहती है। ये बात सुनकर राजा ने मूल द्वारिका पे अपने सिपाही के साथ चढ़ाई करने का फैसला किया। रास्ते में राजा के चारणदेव ने समझाया कि विंझरा से दुश्मनी हमें बहुत महंगी पड़ सकती है, इसलिए हमें विंझरा के साथ समझौता कर लेना चाहिए। राजा ने चारणदेव की बात का मान रखते हुए समझौता करने का फैसला किया। विसावड़ा पहुंचने के बाद चारणदेव बारूद जी के साथ विंझरा के घर पहुंचे। वहां विंझरा ने दोनों का सम्मान के साथ स्वागत किया और घर में आने का आग्रह किया। वहां विंझरा ने चारणदेव और बारूद जी को घर आने की वजह पूछी। तब दोनों ने बताया कि रानी रमा कुमारी जी आपके घर पर है। ये बात राजा विश्वरदेव को अच्छी नहीं लगी, इसलिए राजा और विंझरा के बीच युद्ध होने की संभावना है और हम ये नहीं चाहते कि युद्ध हो, इसलिए चारणदेव आपके पास समझौते का प्रस्ताव लेकर आए हैं। पर राजा जी की एक शर्त है, आपको समझौते के लिए निहत्ते आना होगा। तब विंझरा ने कहा कि अगर मेरी बहन की खुशी के लिए समझौता हो सकता है तो मैं निहत्ता आने को तैयार हूँ। और विंझरा ने अपनी तलवार सुंदरबाई को देकर राजा के पास समझौते के लिए रवाना हो गए। वहाँ राजा और विंझरा के बीच रानी जी को लेकर बहुत बहस हुई। राजा जी ने विंझरा से पूछा, क्या रानी तुम्हारे घर पर है? विंझरा ने कहा, हाँ मेरे घर पर है। तब राजा बोले, तेरे घर पर ही क्यों, किसी और के घर पर क्यों नहीं? तब विंझरा ने कहा, क्योंकि वो मेरी बहन है। राजा जी ने विंझरा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, मुझे तुम दोनों भाई बहन का रिश्ता कबूल नहीं है। तब विंझरा ने चारणदेव को कहा, आप तो मेरे पास समझौते की बात लेकर आए थे, मुझे तो इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है। तब चारणदेव ने कहा कि विंझरा, मैं खुद इस बात से अनजान हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मुझ पर 4 ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। और फिर राजा ने विंझरा को
पापी कहकर अपमानित किया और विंझरा को बंदी बनाने का आदेश दिया। तब विंझरा ने राजा के सिपाही से तलवार छीनकर राजा की गर्दन पर रखते हुए बोला, अगर लड़ना है तो इस तरह छल से नहीं पर एक क्षत्रिय की तरह लड़ो। और राजा से कहा, मेरी तलवार और घोड़ी मंगाओ। और फिर बारूद जी ने तलवार और घोड़ी लाकर विंझरा को दी और लड़ाई शुरू हो गई। जब विंझरा ने कई सारे सिपाही को मारने के बाद राजा को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई तो राजा ने अपने छुपे हुए सिपाही को इशारा किया। सिपाही पीछे से बंदूक चलाई, बंदूक की गोली विंझरा के सीने से आर पार हो गई। विंझरा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कहा कि धोखा। तब राजा ने विंझरा का सर धड़ से अलग कर दिया। ये सब देखकर चारणदेव को आघात लगा और उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। विशल दे ए जने देखड़ी दीदी विंजरा